अध्यक्ष पर सभासदी का है। अरे भाई बताइए, वोटिंग प्रक्रिया सब सही चल रही है? कोई समस्या आई? कोई समस्या नहीं है, हुआ है सही हम लोगों की वजह से कोई शिकायत। बाहर से लोग आके सर बोल रहे हैं अंदर बाहर क्या, और हम लोग क्या जा रहे हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। बाहर हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और अंदर हमारे जितने भी पोलिंग कार्मिक है वो सब सही से मतदान करा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से बाहर प्रत्याशी जो रह रहे हैं वहाँ से शिकायत कर रहे हैं लोग, यहाँ से कोई शिकायत? चलिए ठीक है। यहाँ से आई सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, औरंगाबाद शहर में एक वकील के मकान में कई लोगों के इकट्ठा होकर और कतिपय प्रकार की गतिविधियां करने की सूचना सामने आई थी, तो उसमें क्षेत्राधिकारी नगर और सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा वहां पर जाकर जब देखा गया तो उन लोगों द्वारा अंदर से ताला लगाकर और उन लोगों को वहाँ से भगाया गया। लेकिन वहाँ पर लोगों के बैठे होने और कुछ आधार कार्ड इत्यादि के होने की बात सामने आई है, उसकी जांच कराई जा रही है। जिन लोगों का घर है उनको भी बुलाकर पूछताछ की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अब उसमें हमें वेरिफिकेशन पूरा कराना पड़ेगा। जब वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा और कोई भी बात सामने आएगी तो उसमें हम लोग FIR पूछताछ के लिए हिरासत में, इसलिए पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लाया गया है। अभी सारी चीज़ें, अभी पूरी चीज़ें कन्फर्म करके आपको बताई जाएंगी, और जो भी लीगल वायोलेशन सामने आएगा उसमें FIR भी कराई जाएगी और इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। आधार कार्ड बन रहा था या? अभी 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 सभी चीज़ें चेक कराना बाकी है, लेकिन वोटिंग बूथ के इतने पड़ोस में इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना अपने आप में आचार संहिता का एक उल्लंघन है, और इस प्रकार से संदेह के रूप में भाग जाना और अपनी पहचान ना बताना वो भी एक समस्या है, जिसकी पूरी जाँच अभी हम लोगों को करानी पड़ेगी। पूरी जाँच कराएंगे और इसमें जो भी आगे की बातें सामने आएंगी आप लोग शेयर करेंगे। सर, ये प्रत्याशी है क्या ये? अभी सारी बातें हम चेक करा रहे हैं, अभी क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा बताया गया, जैसे ही आगे की बातें आएंगी आप लोग बताइए। ठीक, थैंक यू। सर, सर आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताइए।